स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, समाज सुधार अभियान भी कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, और अपने अभियान के दौरान कहते हैं कि शराब पीने वाला हैवान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अब शराब पीने वाले को जेल नहीं होगी, लेकिन शर्त है। वो शर्त क्या है ये समझ लीजिए। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने ये दरअसल फैसला लिया है, बड़ा फैसला। अगर शराब पीकर पकड़े जाते हैं आरोपी, तो पुलिस की मदद अगर वो करेगा तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। उत्पाद आयुक्त कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि अगर कोई शख्स शराब पीकर पकड़ा जाता है, उसकी निशानदेही पर अगर शराब बरामद की होती है, तो विभाग उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सहायता देगा और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। वहीं इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि सरकार कंफ्यूज हो गई है। अगर शराब पीने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े, ये कंफ्यूज, ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको हम कैसे कंट्रोल करें। कभी हेलीकॉप्टर से, कभी इसे, भाई ये तो विशुद्ध रूप से आप कह रहे हैं कि जेल नहीं भेजेंगे। दूसरे तरफ गरीब को जेल में इतना ठांस दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपको संज्ञान में ले रहा है कि भाई आप कौन आधार पर लिया है। तो ये जो सरकार है ना, ये इसको अभी पता नहीं चल रहा है कि हम अब करें क्या। अगर शराब पीने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। तो ये स्थिति आ कैसे गई? आखिर बिहार सरकार ने इस हद तक रिलैक्स देने की क्यों कोशिश की है, क्यों कोशिश कर रही है, जबकि शराबबंदी को लेकर लगातार सख्ती बरती जा रही है, ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक लगाया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि जेल में लगातार संख्या बढ़ रही है, गिरफ्तारियां होने के बाद जमानत याचिकाएं लगातार हाईकोर्ट और निचली अदालतों में बोझ बढ़ता जा रहा है और इस सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को फटकार लगा रही है। तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था और वो सवाल क्या था ये समझिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह से फैसला लेना पड़ा है। सवाल ये था कि क्या शराबबंदी कानून लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कोई अध्ययन किया है, कानून लागू करने से पहले ये देखा है कि इसके लिए न्यायिक ढांचा तैयार है या नहीं। सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि कानून बनाते समय उसके सभी पहलुओं को देख के अदालती ढांचे को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर कोई कदम उठाए हैं, और इस कानून में बिहार सरकार प्ली बार्गेनिंग प्रावधान जोड़ेगी या नहीं। दरअसल कोर्ट में आरोप स्वीकार करने पर सजा में नरमी बरतने को प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। और यह भी कहा कि पटना हाईकोर्ट के 26 में से 16 जज शराबबंदी कानून से जुड़े मसले देखने में व्यस्त हैं। निचली अदालतों में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बिंदुओं पर सवाल पूछा बिहार सरकार से और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 8 मार्च को जवाब देना है, उससे पहले ये फैसला लिया गया ताकि ये कहा जा सके कि जमानत याचिकाओं का बोझ हम कम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि शराबबंदी कानून में इस तरह के संशोधन से क्या वाकई शराबबंदी की जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।